हेलो वन मैनी मिजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 6 अक्टूबर है आज और बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी हम जिसको बोलते हैं अक्षय कुमार की पिक्चर आई है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। और हमारे साथ में आ गए हमारे एक्सपर्ट्स जिमी एंड केनी। स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। केनी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, फाइनली जाके अक्षय कुमार की पिक्चर देखी है। इतनी सारी फिल्में आई आए नहीं थे देखने के लिए, लेकिन आज आ गए। शुरुआत हम हमारे एक्सपर्ट जिमी से करेंगे, कैसे लगे अक्षय कुमार एज सरदार जसवंत सिंह के। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं हम लोगों को कि हम लोग अक्षय के हेटर्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग अच्छा अच्छा और सच्चा सच्चा रिव्यू देते हैं बॉलीवुड प्रेमी। पहली तो बात ये, हम किसी के भी हेटर्स नहीं, ना शाहरुख के, ना सलमान के, ना किसी के भी नहीं है। जो अच्छा करेगा वो अच्छा बोलेंगे, जो बुरा करेगा वो बुरा बोलेंगे। अब आते हैं पॉइंट पे कि जसवंत सिंह गिल जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है इस फिल्म के अंदर। वेरी गुड डिगिंग स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्क्रीन प्ले घड़ा है विपुल रावल जी ने जी। तो बेफिक्र रहिए विपुल जी, आप बहुत बढ़िया फिल्म है, हुक द पॉइंट है, सबको बिठा के रखती है, एक भी फ्रेम ऐसा छोड़ने लायक नहीं है। सिर्फ माइनस पॉइंट इसमें इतनी ही कि एस्टेब्लिशमेंट शॉट्स कहीं पे जो हम पढ़ना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा कहीं कहीं पर इमीडिएट कट है। ओके बाकी तो ओवरऑल फिल्म में कोई इश्यूज लग नहीं रहे मेरे को। फैंटास्टिकली जसवंत सिंह गिल जी ने, अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले किया है बहुत फैंटास्टिक। इन अदर कास्ट रवि किशन, सुधीर पांडे, कुमुद मिश्रा, कुमुद शर्मा, राजेश मिश्रा, शिशिर शर्मा, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है मेरे ख्याल से सबको बेस्ट परफॉर्मेंस सबने अपना दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि फिल्म को कुछ माइनस पॉइंट है इसके अंदर जो मैंने बताया। माइनस पॉइंट बोल रहे हमारे एक्सपर्ट जिमी। आता हूँ हमारे केनी के पास में, जो इसने जिमी ने कहा कि देखते क्या नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे बहुत सारे माइनस जो थे उसके सबके नाम बता दिया इसने। एक रवि किशन मिस कर दिया मैं, बोला लिया लिया। रवि किशन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, ही माइट गेट द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड लेके जाएगा मेरे को, इतना अच्छा रोल है उसका रवि किशन का। क्योंकि उनके पास लोकी आई थी, लोकी की सब्जी आई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रवि किशन इन प्रमोशंस कोई नज़र नहीं आया और फिल्म के प्रमोशंस भी बहुत अच्छी तरह नहीं हुए हैं ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ भी आज गेटी में अक्षय के फैन क्लब जो हमेशा आते हैं, हार वगैरह पहनाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, ढोल ढोल ताशा बजाते हैं, वो कोई आया नहीं आज। हमको फिल्म बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, टेरिबल फिल्म बनाई है। टेरिबल टेरिबल, इट्स अ गुड टेरिफिक टेरिफिक फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म। दिस मे बी द बेस्ट रोल ऑफ अक्षय कुमार इन हिज कैरियर। सरदार जी गेटअप में इतने अच्छे लगे और इतना प्यारा रोल किया है। देयर इज़ नो फालतूगिरी, नो फालतू रोमांस गाने, नो एक्शन, नो अननेसेसरी ड्रामा, टू द पॉइंट फिल्म बनाई है। एंड आई टेल यू दिस काइंड ऑफ फिल्म टू मेक, टू राइट दिस काइंड ऑफ फिल्म इज वेरी टफ। ओके, टू डायरेक्ट दिस काइंड ऑफ फिल्म इज ऑल्सो वेरी टफ, टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ फिल्म इज ऑल्सो वेरी टफ, एंड टू वॉच दिस काइंड ऑफ फिल्म इज ऑल्सो वेरी टफ। सो मेनी डिटेल्स आर देयर इन फर्स्ट हाफ एन आवर में, बहुत सारी डिटेल्स हैं एंड द टाइटल्स आर गोइंग वेरी फास्ट जैसे जिमी भाई ने बोला। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट ज़बरदस्त है। ओके, बहुत भारी फिल्म बनाई है और बहुत अच्छा है विपुल रावल एज ही टोल्ड। एंड वो और एक है राइटर इसका जो दीपक किंगलानी, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। टीनू देसाई डायरेक्टर ने बहुत अच्छा, और वाशु बगनानी का मेरे लगता है बहुत टाइम के बाद अच्छी फिल्म बनाई है, पर चले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सरदार जी का अभी टाइम आ गया है, गदर सुपर टिपर उठो गई, अभी ये सरदार जी का भी कमाल होना चाहिए। क्या बात है, चले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है आपको, पिक्चर पिकअप लेगी बॉक्स ऑफिस पे? सी, माउथ पब्लिसिटी तो जानी चाहिए फिल्म। फिल्म तो नो डाउट, मतलब सुपर डुपर हिट फिल्म है ये। सबको बैठ के देखनी चाहिए, सब फैमिली आके देख सकती है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको छोटे पर्दे पे या टीवी पे या OTT पे ना देखी जाए, है ना। इसको आके आप इस पे थिएटर पे देखोगे तो ही फिल्म समझ में आएगी, अदरवाइज यू विल गेट बोर। हाँ, स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया लेके गए, कहीं पे भी मतलब रेस्ट नहीं है फिल्म के अंदर, टू द पॉइंट फिल्म है, तो सबको आके थिएटर में ही देखनी चाहिए। ओके, बॉक्स ऑफिस पे आके टिकट खरीदी है ऐसा अपील किया हमारे जिमी ने। खरीदी है, हमने भी खरीदी है। हमको कल प्रेस इन्वाइट था, फिर भी हम नहीं गए थे क्योंकि लोग बोलते कि समोसा क्रिटिक्स है। हम जानबूझ के नहीं गए थे ताकि हम आके टिकट खरीदें और पिक्चर देखें, बाद में रिव्यू दें। लोगों ने दिए, टिकट बाइंग ऑडियंस है हमारे। दिग्विजय भाई ने भी फिल्म देखी है, आप बताओ आपको कैसे लगी ये फिल्म? पिक्चर मुझे अच्छी लगी, सबसे बेहतरीन रोल मुझे वो कुत्ते का लगा है। और इसमें माइनस पॉइंट्स क्या है? तगड़ा एकदम रोल था, वो बोल रहे थे माइनस पॉइंट्स निकालो, आप बताओ। मुझे थोड़ा सा VFX पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को
थोड़ा गड़बड़ लगा, थोड़ा और खर्चा यू नो, क्योंकि इतनी सारी हमने फिल्में देखी, ब्रह्मास्त्र हो गई, आदि पुरुष हो गई, ये हो गई, तो VFX वो वाला देख के यहाँ पे थोड़ा मुझे डर लगा, बाकी तो पिक्चर ने बिठा के रखा। VFX BGM वगैरह सब बहुत अच्छे थे, अच्छा था BGM, अच्छा 90% वाज ओके, 95% अच्छा था, 5% मुझे एक प्रॉब्लम लगा इसमें, मे बी स्क्रीन प्ले या स्टोरी आप बोल सकते हो। जब अक्षय पाजी नीचे जाते हैं ना उनको बचाने, तो वहाँ पे वो चिट निकालते हैं जी, वो चीज़ मुझे ये हुई मतलब अच्छी नहीं लगी। अच्छा, चिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वो कोई गेम नहीं था कि इस तरह चिट्स निकाला जाए। नहीं नहीं, क्योंकि जो जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ऊपर जाने का, जिनको ज़्यादा तकलीफ थी, उनको पहले भेजा जाना चाहिए था। ऐसे ऐसे टाइम पे चिट निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चिट नहीं निकालनी चाहिए थी, बोल रहे आप कुछ काउंटर दे। नहीं नहीं, चिट निकालनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि नीचे जाके ये घमासान होने वाले के पहले मैं जाऊंगा। नहीं, उस घमासान, वो सीधी सी बात है कि सीनियर सिटीजन को पहले भेजा जाए। नहीं नहीं, वो पहले से भाग गए थे उस चीज को, उस चीज को पहले से भाग गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही पन्ने फाड़ के चिट बना ली थी। हाँ, देखा, लेकिन वो इसलिए दिखाया गया था कि वो चीज को भाग गए थे कि मुझे ही जाना पड़ेगा, या जो जाएगा उसको ये देना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि जाके पहले तो नंबरिंग बात करना। लेकिन जब हंगामा वो लोग ने क्रिएट किया नीचे, माइनस ने खदान में नीचे, तो सरदार जी भड़कने वाले वो चुप हो गए ना, इनका माना ना, तो चिट निकालने की जरूरत नहीं। वो भी अगर बोलते थे हाँ कौन किसको किसको क्या प्रॉब्लम है, छोड़ सकते थे ना। इतना टाइम नहीं था सीनियर के पास में, गैस टाइम नहीं था, पानी भी आ गया, इतना टाइम नहीं था, चिट निकाल के एक एक को चिट दिया, टाइम वेस्ट किया, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हो कि जो सबसे ज्यादा जिसको लगा है प्रॉब्लम है, वो अभी वो चेक करते बैठते तो और ज्यादा टाइम, चेक नहीं करता था, वो दो लोग थे उनको सबको पता था किसको क्या प्रॉब्लम है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नीचे थे ना वो उसको पता था सबको किसको क्या प्रॉब्लम। लेकिन उस टाइम वो जसवंत गिल ने वैसा किया था, इसलिए ऐसा दिखाया, इसलिए ऐसा लिखा। फाइनली आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी फॉर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू? भारत रेस्क्यू के लिए मैं 4 स्टार दूंगा इसमें। 4 स्टार की रेटिंग दी है, सुपर हिट का वर्डिक्ट आ रहा है जिमी से केनी, आउट ऑफ 5 मैं दूंगा इसको 4.5, क्योंकि आधा स्टार और बढ़ाया है, क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा रोया आज क्लाइमेक्स में, थोड़ा रोया मैं, इतनी अच्छे सीन्स थे, इमोशनल सीन्स थे, सुधीर पांडे इमोशन कॉर्ड बहुत अच्छा था, तो थोड़ा सा रोया, आंखों में से आंसू आ गए, इतनी अच्छी लगी फिल्म, क्या बात। तो लौकी की सब्जी इसमें बहुत बढ़िया थी, लौकी की सब्जी बहुत बढ़िया थी इसमें, सबको जाके देखना चाहिए कि लौकी की सब्जी कैसी थी। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हमारे एक्सपर्ट केनी। ब्लॉकबस्टर का वर्डिंग मैं कह सकता हूँ, 4 और 4.5 का रेटिंग आया। डोंट मिस दिस फिल्म, मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार आए, बहुत ही अच्छी फिल्म लेके आए, आप भी जाके देखिए और हमको बताना कमेंट्स में कि आपको ये फिल्म कैसे लगी। हाँ भाई, बताना, गाली वाली मत देना प्लीज। थैंक यू, ऑल वेल।